सर ने जो आज दिया था कहानी लिखने के लिए, तुमने लिखा? अरे यार सो गया था यार, मुझे भी कुछ कहानी याद ही नहीं आ रहा है यार। यार देखता हूँ कुछ करता हूँ तो। अरे यार देवदत्त जी तो लेखक थे ना, हाँ देखना कुछ होंगे लिखे हुए। उनकी किताबें को अभी तक देखा भी नहीं है, तो देखना, शायद उनमें एक कहानी ढूंढ लेता हूँ। देखना भाई, देख देख बता मेरे को। ठीक कहा जाता है दुनिया में ऐसी कई जगहें होती हैं जिसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई वस्तु ही क्यों ना हो। माना जाता है ऐसी चीजें शापित होती हैं जो अपने साथ अतीत के काले रहस्य और बुरी आत्माओं को भी अपने साथ दफन किए रहती है। जब कोई इंसान ऐसी चीजों के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह बुरी आत्माओं का शिकार हो जाता है। ऐसी एक घटना जो मेरे साथ हुई है, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, विजयनगर, मेरी नानी का घर। एक बार की बात, जब मैं ठंड की छुट्टियों में अपने नानी के घर घूमने गया था, विजयनगर चलोगे? नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे विजयनगर। भैया विजयनगर चलोगे? नहीं 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 भैया, हम नहीं जाएंगे। भैया इधर ही जा रहे हो? हाँ भैया, और आपको विजयनगर छोड़ देंगे? नहीं भैया, विजयनगर तो नहीं, पर आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। चलिए तो आइए, बैठिए। देखिए भैया, ये रास्ता जाएगा विजयनगर, आपको इसी रास्ते जाना है।
थैंक यू भैया, ठीक है भैया। ठीक है विनोद बाबू, चलते हैं, 6 बजने वाला है। और बताओ बबुआ, पढ़ाई लिखाई सब कैसा चल रहा है? पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिए हैं नाना जी, अब नौकरी के तलाश में है। अरे कोई बात नहीं, मेहनत करो, हो जाएगा। लीजिए विनोद बाबू चाय, आप भी लीजिए बाबू। ठीक है विनोद बाबू, जा रहे हैं। रुकिए रुकिए राम बाबू, तेरा बाबू को अपना खेती बाड़ी दिखा दीजिएगा, गांव गांव घुमा दीजिएगा। ठीक है बाबू, नाश्ता वास्ता ठीक से कर लो, फिर गांव मोहल्ला घूम लेना। ठीक है? ठीक है नाना जी। तो ये देखिए रवि बाबू, गेहूं लगा हुआ है, सरसों सारा जितना दूर दूर तक दिख रहा है, ये सब विनोद बाबू का है। नमस्ते रवि बाबू। ये कौन है? ये रवि बाबू, हाँ, ये फटफट जी का बेटा है। अच्छा, जिसके साथ हम बचपन में खेला करते थे। हाँ, जिसके साथ हम बचपन में खेलते थे, फटफट जी का बेटा वही है। अच्छा, तो देखिए रवि बाबू, हमारा बीबी का तबीयत बहुत ही ख़राब है, तो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो आप घूमकर शाम तक चले आइएगा, हम विनोद बाबू से बोल देंगे। तो ठीक है रवि बाबू, चलते हैं। ठीक है राम बाबू, जाइए जाइए, हम घूमकर चल जाएंगे, जाइए।